बनता जा रहा चुनावी रंग में, हर इलाके में चुनावी सभाएं जोरों पर, पार्टियां चुनाव जीतने के लिए लगा रही पूरी ताकत। चौहान बागर सीट पर दिलचस्प हुआ मुकाबला, बीजेपी आप और कांग्रेस के बीच जारी है कांटे की टक्कर। चौधरी जुबेर ने कहा इस बार भी जीत का रिकॉर्ड टूटेगा। गोकलपुरी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, पुलिस ने दो ऑटो लिफ्टर को किया गिरफ्तार, पास से मोबाइल फोन और बाइक की बरामद। पांडव नगर में चोरों ने मचाया हुआ था कोहराम, आए दिन दिया जाता था चोरी की वारदात को अंजाम, सीसीटीवी की मदद से आरोपी का पता लगाया गया। हसनपुर में फुट ओवर ब्रिज पर एक्सीलेटर ना होने से बुजुर्ग और बीमार लोगों को हो रही काफी परेशानी, ओवर ब्रिज पर एक्सीलेटर हो गया था चोरी, फिर भी प्रशासन नहीं दे रहा कोई ध्यान। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल, आप सभी का पूर्व दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। पूर्व दिल्ली के विश्वासनगर वार्ड से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर चेरी सिंह ने क्वार्टर 18 से लेकर राम गली, नेहरू गली, कारण गली और साथ ही बगीची गली और शास्त्री गली, सुभाष गली, पटेल गली, शंकर गली और विष्णु गली जनसंपर्क अभियान किया। आपको बता दें कि चेरी सिंह ने महिलाओं से बातचीत की तो महिलाओं ने बताया कि उनको मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही, जैसे कि पीने का साफ पानी, सिलेंडर के बढ़ते दाम और साथ ही गली सही नहीं होना जैसी बहुत ही समस्याएं चुनौती बनकर सामने खड़ी हैं। तो इस बीच बीजेपी उम्मीदवार चेरी सिंह ने जनता को आश्वासन दिया कि जीतने के बाद इन सभी कार्यों पर ध्यान दिया जाएगा। जहां चेरी सिंह ने जनता से खास बातचीत की तो वहीं दूसरी ओर चुनाव प्रचार के बीच में बीजेपी उम्मीदवार ने जाकर अपनी प्रतियोगी और साथ ही आपके उम्मीदवार को भी गले लगाया। चुनाव प्रचार के बीच बीजेपी और आम आदमी पार्टी का ये साधारण सा हाव भाव देखकर हर तरफ देशभक्ति की लहर छाई हुई है। महिलाओं को मैं कहना चाहती हूँ कि जिस प्रकार इस बार बीजेपी ने 136 सीटों पे महिलाओं को उतारा है तो महिला सशक्तिकरण को यहीं से नज़र आता है। और रही बात दिल्ली सरकार की, जो हमारे विरोधी उन्होंने बातें करते हैं, खोखले वादे करते हैं कि वो महिला सशक्तिकरण के बारे में बात कर रहे हैं, उनके तो खुद जो विधायक है वो ही अपने घर की महिलाओं की इज्जत नहीं कर सकते तो फिर वो किसी और की, और बाकी सब हमारी जनता की महिलाओं की क्या इज्जत करेंगे। और उसके विपरीत हमारे जो बीजेपी में है वो हमें इतना रिस्पेक्ट करते हैं, और जैसे आप देख रहे हैं हमारे साथ जितने भी हमारे कार्यकर्ता भाई हैं, जो हमारे विधायक प्रतिनिधि जी हैं, हमारे साथ साथ कदम कदम पे चलते हैं, हमारी पूरी मदद करते हैं। झुग्गी वालों की कोई खास समस्या नहीं है क्योंकि विधायक जी ने सारे काम करे, पूरी गलियां बना दी हैं, शौचालय बना दिए, जहां 10 सीट थी वहां 100 करवा दी है, और लाइट वगैरह सब कुछ, पानी है, कहीं कहीं थोड़ी बहुत पानी की प्रॉब्लम हो जाती है, वो खैर पूरी दिल्ली में ही है तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। तो वहीं पूर्वी दिल्ली में चुनावी पारा हर रोज बढ़ता जा रहा, बीजेपी कांग्रेस और आपने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, और इसी संबंध में मधु प्रेम चौधरी वार्ड अनारकली की कांग्रेस उम्मीदवार ने भी चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अनारकली वार्ड से कांग्रेस उम्मीदवार मधु प्रेम चौधरी अपने इलाके में चल रहे चुनाव प्रचार में अपना पूरा जोर लगाती नजर आ रही, और इस बीच वो जहां भी प्रचार के लिए जा रही वहां जनता की तरफ से भी उनका भव्य स्वागत किया जा रहा, और इससे पता चलता है कि लोगों को उनका पूरा समर्थन मिलता नजर आ रहा। साथ ही मधु प्रेम चौधरी का खुद भी ये मानना है कि हम अपने इलाके में पूर्ण बहुमत से जीत कर आएंगे। हमारा माहौल इतना बढ़िया है, इतना जोश है, अभी हम डॉक्टर प्रदीप के दुकान के सामने थे, वो जो पक्के बीजेपी के थे, आज वो हमारे समर्थन में खड़े, इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती। आज उनका इतना समर्थन मिल रहा है, उनके परिवार का, उनकी कॉलोनी वालों का, उनके मोहल्ले वालों का इतना समर्थन हमें मिल रहा है, इतना प्यार मिल रहा है। हमारी जगह जगह पार्टियां हो रही है, आज कोई ठंडा पिला रहा है, कोई रसगुल्ला खिला रहा है, कोई पानी पिला रहा है, अच्छा स्वागत हो रहा है, इतना स्वागत हो रहा है, दिल खुश हो गया। हम हार का मुंह नहीं देखेंगे, हम 100% जीतेंगे। माहौल ये कह रहा है इस बार तो हाथ ही आएगा एमसीडी में और कोई नहीं आएगा, हमारा नेता जैसा होगा मधु चौधरी जैसा होगा। भीड़ देख रहे हैं ना, ये भाई
सबकी रेस्पेक्ट और उनके कार्यों की वजह से है। यहाँ पैसे वाले कम है, यहाँ रेस्पेक्ट वाले ज्यादा है। तो इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि मधुरानी जिंदाबाद। दिल्ली में जैसे जैसे नगर निगम चुनावों की तारीखें नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे सियासी पारा भी बढ़ता जा रहा। सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में जुटी हैं। बीजेपी उम्मीदवार भी अनारकली वार्ड में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको भी जनता का खूब साथ मिल रहा। बीजेपी उम्मीदवार मीनाक्षी शर्मा इलाके में राउंड कर रही हैं और बैठकें भी कर रही हैं, और ऐसे में उनको पूरा विश्वास है कि उनको जीत जरूर मिलेगी। माहौल बहुत अच्छा बना हुआ है। आज भी मैं राउंड पे गई थी सुबह, तो वहाँ पर मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। मेरे क्षेत्र के सभी क्षेत्रवासियों ने मेरे को बहुत सहयोग दिया, बहुत प्यार दिया, और उनके हृदय से जो उनकी आवाज़ आती है, वो चाहते हैं कि मैं आज उनके साथ में बैठूं, उठूं, और यहाँ पे भावी निगम पार्षद के रूप में वो मुझे देखना चाहते हैं। और ईश्वर से मेरी विनती नहीं है, मुझे कॉन्फिडेंस है कि ईश्वर उनकी इच्छा को अवश्य पूर्ण करेंगे। कॉन्फिडेंस कि अपने आप में बहुत है, पर अगर आप कहेंगे मतलब बीच में किसी से कोई मतभेद नहीं, केवल लड़ाई है काम की। पिछली पार्षद ने कोई काम नहीं करा, जनता को काम चाहिए, और जो काम करेगा जनता उसको निश्चित तौर पे प्यार देगी। लोगों का मुझे बहुत प्यार मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी को बहुत प्यार मिल रहा है। हम एक तरफा जीत रहे हैं। इस टाइम जिस घर जाते हैं, जिस गली जाते हैं, वहाँ पर पूर्ण समर्थन हमारे को मिलता है। लोगों की दिल की ये इच्छा है कि हमारी ये बहन जी मीनाक्षी शर्मा जी यहाँ से काउंसलर बनकर आएँ और समाज की सेवा करें। इसी के भाव के ऊपर हम हर गली हर घर दस्तक दे रहे हैं। दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपने हाथ पैर आजमा रही। वहीं कांग्रेस पार्टी के गांधीनगर विधानसभा से गांधीनगर वार्ड 212 की उम्मीदवार अंजना शर्मा ने कैलाश नगर में डोर टू डोर कैंपेन किया और साथ ही लोगों से कांग्रेस को वोट देने की अपील भी की है। वहीं अंजना शर्मा की इस पदयात्रा में लोगों का काफी उत्साह भी देखने को मिला। लोगों ने उम्मीदवार अंजना शर्मा को माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया और फूलों की बारिश से उनका जोरदार स्वागत भी किया। आप देख ही रहे हो, मेरे साथ चल रहे हो, जनता कितने साथ मेरे साथ निकल रही है, खुशी से निकल रही है। वो कह रही है कि फिर मुझे आपकी ज़रूरत है। देखिए आप सड़कें देख रहे हैं क्या हालत है, मैं फिर दोबारा से आती हूँ। वो चाहते हैं कि मैं दोबारा से आऊँ और फिर यहाँ पे आके काम करूँ। मैं यही कहूँगी बहुमत से ही जीतूंगी मैं। जैसे जनता का प्यार दे रही है, जैसे वो प्यार दे रहे हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं बहुमत से जीतूंगी। जनसमर्थन देख लो, सारा कैलाश नगर उठ के आ गया है। अब मेरे को तो नहीं लगता किसी घर में कोई बंदा रह गया होगा, तो इतना इससे ज़्यादा समर्थन क्या मिल सकता है। जनता का पूरा प्यार हमें मिल रहा है। हम कंपटीशन नहीं मानते। मैंने पहले दिन बोला था दोनों की जमानत जब्त कराऊंगा, तो होगी जमानत जब्त। जनता का तो हम हमेशा हार पकड़ करना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद हमेरा हमेशा हमसे रहा है, और इस बार भी जनता हमें पूरा आशीर्वाद देगी और हम और उत्साह से काम करेंगे। तो वहीं गीता कॉलोनी वार्ड से उम्मीदवार कवलजीत कौर ने लोगों के साथ जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया। इस संवाद में आपके मंत्री गोपाल राय भी मौजूद रहे, जिन्होंने लोगों से वोट की भी अपील की और लोगों को विश्वास दिलाया कि जीतने के बाद सभी समस्याओं का निवारण किया जाएगा। नहीं, समर्थन तो चारों तरफ है, दिल्ली बदलाव चाह रहा है। 15 साल लोगों ने भाजपा को मौका दिया, लोग इस बार काम के लिए केजरीवाल को वोट देना चाहते हैं। केजरीवाल जी की सरकार है तो केजरीवाल जी का पार्षद। हमें यहाँ पे बहुत प्यार मिल रहा है, राजनीतिकरण के लोग बहुत ज़्यादा ही प्यार दे रहे हैं। वो कह रहे हैं इस बार आम आदमी पार्टी ही आएगी, सरकार बनेगी उसी की। साफ़ सफाई को लेकर समस्या है मेन, तो जो गलियों में और कूड़े के ढेर हर जगह लगे हुए हैं, इसी को साफ सफाई करवानी है हमने, और क्या करवाना है। पार्कों का अच्छा सुधार करना है। पूरा समर्थन, पूरा जनसमूह हमारे साथ है। दिल्ली में सिर्फ एक ही, सभी लोग यही चाहते हैं कि दिल्ली में एक ही व्यक्ति होने से, केजरीवाल। और आप जैसा कि जानते हैं कि दिल्ली में दो सरकारें चलती हैं। सरकार एमसीडी में पिछले 15 साल से आपने देखा होगा बीजेपी की सरकार राज कर रही है। राज क्या कर रही है, पूरा भ्रष्टाचार उन्होंने मचा रखा है। जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए, परेशान है, त्रस्त है, आसपास इतनी बीमारियां फैली हुई है, पूरा क्षेत्र बीमार है। उस क्षेत्र को सही करने के लिए हमें लोगों की, जनता का यही विचार है, और यही लोग बार बार कह रहे हैं केजरीवाल। पब्लिक का समर्थन तो अपार समर्थन है, क्योंकि देखिए 15 साल का जो भारतीय जनता पार्टी का कुशासन है एमसीडी में, वो जनता बहुत ही परेशान है। उन्होंने पूरे 15 साल बस कोई काम नहीं किया। पिछले 8 साल से तो केवल वो लड़ाई लड़ते रहे, लड़ाइयाँ ही लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा जनता को कि देखिए, अगर आपने अपने क्षेत्र के काम कराने हैं तो केजरीवाल की सरकार है, केजरीवाल का ही पार्षद चुनने में भलाई है। वहीं दूसरी तरफ कृष्णानगर से भी जुगल अरोड़ा ने लोगों के साथ जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया और साथ ही मंत्री गोपाल राय भी मौजूद रहे। दिल्ली के लोगों ने एमसीडी में 15 साल भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया है। दिल्ली के लोगों को दो चीज मिला है, कूड़ा कूड़े का पहाड़।
हमारी यहाँ के लोगों से एक ही अपील है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, नगर निगम में लोग बदलाव करने जा रहे हैं, एक पूरे दिल्ली के अंदर मन बन रहा है कि भाई इस बार अरविंद केजरीवाल को मौका दो। अगर कृष्णा नगर के लोग भी अगर यहाँ से अरविंद केजरीवाल का पार्षद बनाते हैं तो सरकार केजरीवाल की, विधायक केजरीवाल का, पार्षद केजरीवाल का अगर होगा तो मिल करके काम हम करेंगे। मैं कहना चाहता हूँ प्रदेश अध्यक्ष जी ने जनता से अपील की है, मेरे लिए वोट मांगे हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। क्षेत्र में इतनी समस्याएँ हैं, 15 साल से कृष्ण नगर वार्ड को बुरा हाल कर दिया है और 5 साल भ्रष्टाचार में लिप्त रहे ये लोग, इन्होंने पूरी लैंटर माफियाओं की तरह काम करा है। मैं आपको बता दूं, जो समस्याएं पहले से थी, जल भराव की आज तक ख़त्म नहीं हुई, कूड़े की समस्या, हर गली के बाहर एक कूड़े का ढेर है, और मैं पार्कों की व्यवस्था बताऊं तो इतने बुरे हालात हैं, स्ट्रीट लाइट नहीं है, घास नहीं है, वहाँ बोर्ड पे लिखा है कि फूल तोड़ना मना है, तो भाइयों फूल ही नहीं है तो तोड़ेंगे कहाँ से। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यहाँ पे पशुओं का, आवारा पशुओं का भी बहुत बुरा हाल है कृष्ण नगर में, नालियों की समस्या सबसे ज्यादा है, मैं इन सारी समस्याओं को जीतने के बाद दूर करूंगा। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जुगल अरोड़ा जगह जगह घूमकर लोगों के साथ जनसंपर्क कर रहे हैं, वहीं आज रैलियों के माध्यम से मार्केट के लोगों के साथ भी जनसंवाद किया। आपको बता दें कि कृष्णानगर के मार्केट डी और ई ब्लॉक में पदयात्रा निकाली, लोगों की समस्याओं को सुना और साथ ही जल्द ही निपटारे का वादा भी किया। यहाँ सबसे बड़ी समस्या जल भराव की है, नालियों की है, कूड़े की है, लाल क्वार्टर यहाँ पार्क है, इतना बढ़िया पार्क की समस्याएं हैं, यहाँ पे आवारा पशुओं की समस्याएं हैं, यहाँ लाइट, स्ट्रीट लाइट की समस्या है, निगम से लेकर जो काम निगम के होते हैं वो सारी समस्याएं ही समस्याएं हैं। तो अब क्या करने वाले इलाके के? मैं सबसे पहले यहाँ आके 3 दिन में जीतते ही सबसे पहले यहाँ से कूड़ा, जो गंदगी है, सबसे पहले वो ख़त्म करूँगा और नालियों को बंद करके पूरा पाइपलाइन बिछवाऊंगा, कवर नालियां बनाऊंगा और जो जल भराव होता है उसको सबसे पहले ख़त्म करूंगा। इलाके का समर्थन कैसे मिल रहा है लोगों का? देखो, 15 साल बेहाल रहे भाजपा के जो यहाँ निगम पार्षद रहे, और 5 साल तो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी निगम रही, और 5 साल में लेंटर माफिया, अगर घर के बाहर कोई लेंटर डल रहा है तो ये माफिया लोग खड़े होकर उगड़ाई करते रहे। मैं रेड़ी पटरी वालों को, गरीब आदमियों को भी नहीं छोड़ा और मेरे व्यापारी भाइयों को भी नहीं छोड़ा। मेरा वादा है, आप लोग अपना घर बनाएं, बेफिक्र होके बनाएं, कोई लेंटर माफिया आपके घर के बाहर नहीं खड़ा होगा। बहुत अच्छा उनका रिस्पॉन्स आ रहा है, महिलाएं जो है बहुत परेशान है। देखिए, लाल क्वार्टर मेन मार्केट है, यहाँ पे कोई जो है शौचालय नहीं है, यहाँ पे दूर दूर से लोग यहाँ पे शॉपिंग करने आते हैं। महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या, अगर एक आधा शौचालय यहाँ पे है भी तो वो बड़ी ही बुरी व्यवस्था में है और वो लॉक है, तो सबसे पहले इस पर काम होना चाहिए मेरे हिसाब से। एमसीडी चुनाव को लेकर यमुना पार के चौहानबाग सीट पर रोमांचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। यहाँ पर बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, तीनों पार्टियां मुस्लिम कैंडिडेट हैं। जहां सीलमपुर विधानसभा से विधायक की बीवी मैदान में खड़ी है, तो वहीं कांग्रेस पूर्व पार्षद चौधरी जुबेर की बीवी शगुफ्ता चौधरी जुबेर मैदान में उतरी है। आपको बता दें कि चौधरी जुबेर ने बताया कि वे पिछले साल उपचुनाव में एक तरफा जीत से आए थे और चौहान बागर के लिए भी काम किया था, और इस बार जनता का समर्थन देखकर उन्हें लगता है कि उनका भी रिकॉर्ड टूटेगा। आपको बता दें कि चौहान बागर के लिए भी उनकी तरफ से पहले भी काम किया गया है। चौहान बागर का माहौल कांग्रेस के लिए, कॉर्पोरेशन का चुनाव है, कौंसिल का चुनाव, बहुत छोटा चुनाव, लेकिन मीटिंगों में इतनी भीड़ आ रही है कि इस चुनाव, इस भीड़ से पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा जा सकता है। ये जो विधायक जी हैं, उनका रवैया लोगों के साथ अच्छा रहा नहीं, उन्होंने यहाँ कोई काम किया नहीं, और जो लोग जाते हैं उनके साथ वो मिसबिहेव करते हैं, अच्छी बातें नहीं करते हैं, तो लोगों में नाराज़गी है। देखिए, हम तो यहाँ 29 साल से हैं, वार्ड के लोग, विधानसभा के लोग, जमुना पार के लोग, दिल्ली के लोग हमें जानते हैं। हमारा काम शान दिखाना नहीं है, पैसे कमाना नहीं है, बल्कि लोगों की मदद करना है, लोगों का काम करना है, डेवलपमेंट के लिए काम करना है, वो हम कर रहे हैं।
और उसी ये चुनाव उसका रिजल्ट बताएगा कि हमने कुछ किया या नहीं किया। मैं इस बार जो हालात देख रहा हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे अपना ही रिकॉर्ड टूटता नजर आ रहा है कि इस बार तो सारा जो इलाका है, सारी पब्लिक है, वो एक तरफा हो गई है। सामने वालों पर कुछ बची नहीं रहा दूसरी पार्टी को। जनता से उनसे सवाल कर रही है, जनता कर रही है, सवाल मैं नहीं कर रहा। जनता उससे पूछ रही है कि आप किस लिए चुनाव लड़ना चाहते हो, किस लिए जीतना चाहते हो, सेवा के लिए या मेवा के लिए। अगर आपको सेवा करने का आपका मकसद है तो विधायक की पत्नी तो वैसे भी सेवा कर सकती है क्योंकि उसके पास बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। क्यों उसे एमसीडी में कूड़ा उठा के सेवा करने का इतना शौक है? तो पब्लिक सवाल कर रही है और उसका नतीजा ये है कि आज स्टेजों पर बैठने के लिए आदमी तक नहीं मिल रहे उनको। पहला कमिटमेंट हमने किया चौहान बांगल जाफराबाद को नाली मुक्त करने का। चौहान बांगल जाफराबाद के अंदर नाली नहीं होनी चाहिए, जो मेन गलियाँ हैं उनके अंदर काली नाली होगी, वो भी मजबूरी है, उनका पानी पीछे से आता है, इसलिए वो नाली है। हम नाली मुक्त करेंगे अगले 5 साल के अंदर। उत्तर पूर्वी दिल्ली पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने 2 ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया है जो इलाके में मोबाइल चोरी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। रात तकरीबन 10:30 बजे पुलिस चेकिंग कर रही थी तभी बाइक मोटरसाइकिल पर 2 लोग आते हुए नजर आए। जब पुलिस ने उन्हें रोकने का इशारा किया तो वे मौके से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन पुलिस ने मोटरसाइकिल का पीछा करके उनको धर दबोच लिया। इस दौरान एक कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गया। आरोपी से एक कंट्री मेड पिस्टल और साथ ही जिंदा कारतूस और 3 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए। पुलिस ने जब लगातार पूछताछ की तो उसने अपने सहयोगी का नाम का भी खुलासा किया, जिसके बाद पुलिस ने उसको भी गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर इलाके में लगातार चोरी के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर आम जनता बहुत ही नाराज थी और इस पर एक्शन लेते हुए SHO पांडव नगर ने भी एक टीम गठित की और इलाके में गश्त को बढ़ाना शुरू कर दिया। पुलिस ने CCTV फुटेज खंगाले जिसमें से एक व्यक्ति नजर आया जिसने अपने चेहरे को नकाब से ढका हुआ था। आपको बता दें कि पुलिस ने शशि गार्डन, कल्याणपुरी, त्रिलोकपुरी के आसपास के क्षेत्रों में इसकी फोटो भी दिखाई जिसमें से पहचान हुई कि आरोपी सनी है जो कल्याणपुरी इलाके में रहता है। और पुलिस ने जब इसको गिरफ्तार किया तो पता चला कि ये नशे के लिए वारदात को अंजाम दिया करता था। जिस घर में ताला लगा हुआ था उसको निशाना बनाता था और साथ ही आरोपी के पास से 2 लैपटॉप, 2 आईपैड और 2 प्रोजेक्टर और साथ ही 2 गोल्ड के इयररिंग्स और 3 जोड़ी पायल भी बरामद की गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तो वहीं फुटओवर का निर्माण लोगों की सहूलियत के लिए किया जाता है ताकि हादसों को रोका जा सके, लेकिन इन्हें बनाने के बाद प्रशासन इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता जिसकी वजह से FOB जर्जर हालत में पहुंच जाते हैं। अगर बात की जाए हसनपुर डिपो पर बने एक्सीलेटर की तो यहां पर पूरी तरह से ये टूट चुके हैं और साथ ही बस स्टॉप में शेड तक की व्यवस्था नहीं है जिससे लोगों को हमेशा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं लिफ्ट भी खराब रहती है जिसकी वजह से लोगों को सीढ़ियों का इस्तेमाल करके फुटओवर ब्रिज को पार करना पड़ता है। विभाग की अनदेखी से बुजुर्गों को भी काफी परेशानी हो रही। ज्यादातर विकलांगों को होती है और जो मतलब बुजुर्ग वगैरह है उन्हें सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत होती है क्यों ढंग से चढ़ नहीं पाते हैं। अगर ये बना रहेगा तो दिक्कतें कम रहेगी, मतलब ये एक्सीलेटर वगैरह मतलब बने रहेंगे तो सही रहेगा उनके लिए। ऐसे जा रहे हैं, रोड क्रॉस कर रहे हैं ना चढ़ के, तो बीच में उनका मतलब एक्सीडेंट वगैरह भी हो सकता है। मैं ऐसे कई पुलों से जाता हूँ तो यहाँ पे ज़्यादातर पुलों में यही समस्या है कि मतलब ढांचा बन रखा है पर वहाँ की चीज़ें गायब हैं। अब जैसे यहाँ पे पूरा इन्होंने आर्किटेक्ट में जोड़ रखा है अपना, फिर भी ये यहाँ पे नहीं है। इससे जो हमारे पहली बात विकलांगों के लिए तो ऑप्शन ही होता है कि इतना घूम के उन्हें आना पड़े, एलिवेटर या उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता। और उसके बाद जो बूढ़ा आदमी है वो सोचता है कि मतलब कि इतना कौन चढ़े, इसी बीच में ग्रिल पार कर जाए, उससे एक्सीडेंट के केसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। लाइट रात को अगर यहाँ पे गुजरो तो यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स की जो डेंसिटी है वो वैसे ही बहुत कम है, तो इसलिए इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। जगह जगह सड़क पार करने के लिए और लोगों को सड़क हादसे से बचाने के लिए फुटओवर का निर्माण किया जाता है। फिलहाल मैं मौजूद हूँ हसनपुर डिपो पे बने इस फुटओवर ब्रिज पे जहाँ की हालत बेहद ख़राब है। यहाँ एक्सीलेटर मशीन लगाई गई थी जिसके लिए लोग इसको इस्तेमाल करें और सड़क पार करने में बुजुर्गों को, दिव्यांगों को आसानी हो सके। लेकिन आपको दिखाना चाहूँगी यहाँ पर जो एक्सीलेटर मशीन लगाई गई थी उसका केवल ढांचा मात्र ही यहाँ पर बचा है, सीढ़ियाँ तक मौजूद नहीं है, बेहद जर्जर हालात में है। ये बुजुर्ग लोग, महिलाएँ जो हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से सीढ़ियों पर चढ़कर इन रास्तों को पार कर रहे हैं। ये फुटओवर जो है बेहद लंबा है, इसे पार करने में बेहद परेशानी लोगों को होती है जिसकी वजह से लोग इसका इस्तेमाल ना करते हुए बीच सड़क से भी रास्ता पार करते हैं जो कहीं ना कहीं हादसों को दावा देता है। शेड्स यहाँ पर मौजूद नहीं है, रॉड्स जो लोहे की बनी हुई थी उनको चुरा लिया गया है चोरों के द्वारा। यहाँ पर असामाजिक तत्व जो है रात के समय बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं जिसकी वजह से लोग रात के समय इस फुटओवर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। लाइट यहाँ पर मौजूद नहीं है, लोहे की जितनी भी रॉड्स थी उनको चोरों ने चुरा लिया है।
कहने वाली बात यह है कि यहाँ पर कोई भी देखभाल करने वाला मौजूद व्यक्ति नहीं है, ना ही कोई गार्ड की व्यवस्था की गई है, ना ही कोई प्रशासन के द्वारा ऐसा व्यक्ति है जो इसकी देखभाल पूरी तरीके से कर सके, जिसकी वजह से ये फुटओवर ब्रिज बेहद जर्जर हालात में आज पहुंच चुका है और जिसका खामियाजा जो है यहाँ से गुजरने वाले लोगों को भुगतना पड़ता है। कैमरा पर्सन ललित कुमार के साथ सोनिया शर्मा, CCN। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।